गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम मैथ्स के अपना प्रीवियस टॉपिक करेंगे जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम। ये टॉपिक बेटा हमने पहले छोड़ दिया था। देखिए आप, ये पेज नंबर 31 है और एडिशन के ये सम्स हैं जो हमने पहले नहीं किए थे। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट हियर, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, एड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एड टू यानी एडिशन के समय, इसमें आपको बताया है कि पर्टिकुलर ये एडिशन के समय, पर आपने इनको ध्यान से समझना है ताकि आपको खुद से पता चले कि एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के समय। तो सबसे पहले देखिए, इन अ क्लास देयर आर 37 गर्ल्स एंड 28 बॉयज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। तो एक क्लास में उन्होंने बताया कि 37 गर्ल्स हैं और 28 बॉयज हैं। जैसे आप भी अपनी क्लास में कुछ एक गर्ल्स होती हैं और कुछ बॉयज होते हैं, ऐसे ही इन्होंने क्लास में बताया है कि 37 गर्ल्स हैं एंड 28 बॉयज हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट, तो ये कितने स्टूडेंट हैं, आर देयर इन ऑल, सारे मिला के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। जब भी आपका सम में इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर या टुगेदर आएगा तो हम उस सम को ऐड ही करेंगे, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन ऑल, ऑल टुगेदर, टोटल, जब भी आएगा तो आपने उस सम को ऐड ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे टेंस और वंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टू डिजिट है तो हमने टेंस और वंस लिख के यहाँ पे लिखना 37 गर्ल्स और नीचे क्या लिख देना 28 बॉयज, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, मैंने आपको सम समझाए थे, सेम इसमें भी ऐसे करना। फिर आपने लाइन लगानी है, तो हमारे पास क्या है, हाउ मैनी, हाउ मैनी के साथ क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। फिर इसको ऐड कर देंगे, हमने राइट साइड से शुरू करते हुए फिर आगे जाना है और इसको ऐड कर देना है। इसमें आपको करके बताया हुआ है, अब मैं आपको नोटबुक पर करके बताती हूँ कि आपने सम्स को कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डेट मेंशन करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर डे लिखना है, मंडे, और फिर आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखना है वर्ड प्रॉब्लम और पेज नंबर हमारा क्या था, 31, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर वन, पहले आप उन्हें स्टेटमेंट को लिखना है, इन क्लास देयर आर 37 गर्ल्स एंड 28 बॉयज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। अब आपने ये स्टेटमेंट ऐसे किया, ऐसे एज इट इज यहां से यहां पर लिख ली। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं बेटा, सॉल्यूशन, यानी इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक टी और यहाँ पे ओ, यानी वंस टेंस लिखकर, जैसे हमने उस बुक के ऊपर मेंशन किया था, तो इसको पहले यहाँ पर आपने अंडरलाइन करना है, 37 गर्ल्स, तो आपने यहाँ पे लिखना है 37 गर्ल्स, और उसके बाद क्या था, 28 बॉयज, फिर आपने इसको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 बॉयज, क्या लिखेंगे, 28 बॉयज, और उसके बाद हमारा सम क्या है, एडिशन का है, तो आपने साइन लगाना है एडिशन का, और हाउ मैनी के साथ जो है ये स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसको हम प्लस करेंगे, 7 और 8 प्लस किया था, इट इज 15, और 1 छोटा सा यहाँ पे कैरी कर देना है, 3 और 2 5 और 1 6, एज इट इज, जैसे आपने बुक में किया, और ये हमारा नोटबुक के ऊपर है, ऐसे ही आपने सेम अब सेकंड की क्या करनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, नेहा बॉट 48 मैंगो टॉफीज एंड 23 ऑरेंज टॉफीज, हाउ मैनी टॉफीज डिड शी बाय। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास स्पेस नहीं है तो आपने इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करना है, पर कैसे करेंगे, पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, 48 मैंगो टॉफीज, 23 ऑरेंज टॉफी नेहा ने बॉट की है, हाउ मैनी, अब हाउ मैनी के पास क्या है, टॉफीज, डिड शी बाय, उसने कितनी टॉफीज ली, पहले उसने मैंगो टॉफी ले ली फिर ऑरेंज टॉफी ले ली। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हमने सबसे पहले लिखना है टेंस वंस, तो हमारी कितनी टॉफीज थी, 48 मैंगो टॉफीज
और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 23 ऑरेंज टॉफीज। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है कि मैंगो भी ले ली और ऑरेंज वाली भी ले ली। तो अब हमारे अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे, सॉरी लाइन लगाएंगे। और हमने हाउ मैनी के साथ क्या पढ़ा था, टॉफीज। हाउ मैनी के साथ क्या पढ़ा था, टॉफीज। तो हमने सारी टॉफी ले ली, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, ऐड। 8 और 3 प्लस करेंगे 11, 11 का 1 और 1 हम ऊपर करेंगे कैरी। 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो नेहा ने कितनी टॉफीज ले ली, 71 टॉफी। अब इसी तरह से बेटे आपने पेज नंबर 31 कंप्लीट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी वे अब मैं नोटबुक पर नहीं बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, पर आपने वर्ड प्रॉब्लम सम एज इट इज करने हैं। जैसे ये मेंशन करना है, पहले स्टेटमेंट को लिखना है और फिर उसका सोल्यूशन करना है। बाकी पेजेस में आपको बुक के ऊपर करवाऊंगी, नोटबुक के ऊपर आपने खुद से करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।